सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने का वादा जुमला था, क्योंकि सरकार अब भी कह रही है कि आश्वस्त रहिए, जबकि अब वक्त आक्रमण का है। जो यूपीए सरकार पर देश का सिर झुकाने का आरोप लगाते थे, उनके राज में हफ्ते भर में सेना पर पांच पांच हमले हो जाते हैं। हमले बहुत ही बार बार हो रहे हैं, क्या अपना कुछ प्लान रहेगा? आश्वस्त रहिए, आश्वस्त रहिए, हमारे सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस के तमाम बखूबी जो है जो जिस काम को अंजाम देना चाहिए वो दे रहे हैं। जो एक के बदले दस सिर लाने की मांग करते थे, उनके राज में 41 दिनों के भीतर 10 जवान शहीद हो जाते हैं। इसको समाप्त करके रहेंगे, ये भी हमारा संकल्प है, जो अब मिलेगा। जो पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करते थे, उनके राज में 3000 जवानों के परिवारों पर हमला हो जाता है। अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं और कभी भारतवासियों का मस्तक को झुकने नहीं देंगे। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मोदी के इस वादे के बाद देश ने उन्हें अपनी बागडोर सौंप दी, ताकि वो आतंक का फन कुचल सके। लेकिन 3 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, ना तो आतंकी हमले रुके हैं और ना ही पाकिस्तान सुधरा है। देश पूछ रहा है, आखिर कब तक आतंकी सैनिक कैंपों में यूं ही घुसते रहेंगे? ये सब कुछ उस मोदी राज में हो रहा है, जो हर आतंकी हमले पर यूपीए सरकार को कमजोर बताया करता था। पाकिस्तान की सेना हिंदुस्तान के जवानों के सर काट करके ले जाती है। हिंदुस्तान का हर इंसान आज चीख चीख करके कह रहा है कि क्या हो रहा है, और इसके लिए मैं पूरी तरह केंद्र सरकार को जिम्मेवार मानता हूँ। अगर ये सिर नहीं आए तो उनके तो 10 सिर आए। सवाल ये है कि हम बिल्कुल प्रतिक्रिया के अलावा बैठे रहें और खेल खिलाते रहें। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए देश ने मोदी को चुना, लेकिन आंकड़े कह रहे हैं कि हालात सुधरने के बजाय बिगड़ रहे हैं। आतंकी हमले 2014 में 222 से बढ़कर 2017 तक आते आते 342 हो गए हैं। सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं भी 2014 में 583 से बढ़कर 2017 में 881 हो गई हैं। 2014 में जहां 47 जवान शहीद हुए, तो 2016 में 82 और 2017 में 80 वीर सपूत देश पर बलिदान हो गए। 9 फरवरी को आतंकी अफजल गुरु की फांसी की बरसी और 11 फरवरी को मकबूल बट की बरसी को देखते हुए खुफिया एजेंसियों ने पहले ही ऐसे हमले की आशंका जता दी थी, लेकिन उनका अलर्ट भी हमला नहीं रोक सका। सवाल उठ रहे हैं कि मोदी राज में क्या बदला? 3-4 दिन से जो है इस प्रकार के इनपुट्स थे कि कुछ बॉर्डर के ऊपर आईबी के ऊपर कुछ लोग अंदर घुसना चाहते हैं, कुछ टारगेट्स थे उनके, लेकिन उस वहां पर अलर्ट था, तो हो सकता है अलर्ट के कारण उन्होंने टारगेट बदला हो। पहली चूक जो है वो बॉर्डर पर हुई है, और उसके बाद उनको रिसीव किया गया, ओवरग्राउंड वर्कर्स ने इसकी रिकॉनसेंस की होगी, क्योंकि जब तक अच्छी रिकॉनसेंस नहीं की होती ये उस माफिक की सफलता इनिशियल सफलता उनको मिल सकती नहीं थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी राज में ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सीज फायर का करारा जवाब दिया गया, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये सब करके भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।